यस क्लास, हम लास्ट क्लास में फाइल हैंडलिंग कर रहे थे, उसी में ही एक टॉपिक है फाइल पॉइंटर्स। तो ईच फाइल हैज टू पॉइंटर्स, हर फाइल में टू पॉइंटर्स होते हैं, वन इज फॉर रीडिंग, वन इज फॉर राइटिंग। रीडिंग वाले पॉइंटर को बोलते हैं इनपुट पॉइंटर या गेट पॉइंटर, और राइटिंग वाले पॉइंटर को बोलते हैं आउटपुट पॉइंटर या पुट पॉइंटर। जब जो भी फाइल होती है, हर फाइल यस क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है फाइल पॉइंटर्स, और हर फाइल में टू पॉइंटर्स होते हैं, वन इज इनपुट पॉइंटर या गेट पॉइंटर, जो कि रीडिंग ऑफ फाइल के लिए काम आता है, क्योंकि आपको पता है जब हम फाइल से प्रोग्राम में करते हैं उसको हम रीडिंग ऑपरेशन बोलते हैं या हम उसको इनपुट ऑपरेशन बोलते हैं, तो उस टाइम जो पॉइंटर होता है वो होता है इनपुट पॉइंटर या गेट पॉइंटर। जब हम प्रोग्राम से फाइल में राइट करते हैं तब हमारा जो पॉइंटर यूज होता है वो होता है आउटपुट पॉइंटर और या पुट पॉइंटर। आप उस पॉइंटर से कंफ्यूज मत होना जो हमें पॉइंटर, हम पहले बेसिक्स पॉइंटर पढ़ते हैं, पॉइंटर जो किसी का एड्रेस स्टोर करने में हेल्प करता है, उस पॉइंटर से कंफ्यूज मत होना। ये पॉइंटर है लाइक समथिंग टू पॉइंट, किसी चीज को पॉइंट करने के लिए। तो जितनी भी फाइल्स होती है हर फाइल के अंदर टू पॉइंटर्स होते ही होते हैं, वन इज फॉर रीडिंग, अनदर इज फॉर राइटिंग। रीडिंग वाले पॉइंटर को बोलते हैं इनपुट पॉइंटर या गेट पॉइंटर, और राइटिंग वाले पॉइंटर को बोलते हैं आउटपुट पॉइंटर या पुट पॉइंटर। अब डिफॉल्ट क्या होता है, सपोज मैंने फाइल ओपन की रीड मोड में, मैंने इफ स्ट्रीम, आपको पिछली क्लासेस आपने अटेंड की हुई है तो आपको पता होगा कि रीड मोड में फाइल कैसे खोलते हैं। अगर आपने इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है और फाइल खोली है रीड मोड में, तो क्या होगा, आप हमेशा रीडिंग कहां से शुरू करोगे? जब आप फाइल रीड मोड में ओपन करोगे तो रीडिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, बिगिनिंग से। तो आपका जो रीडिंग वाला पॉइंटर है, रीडिंग वाला पॉइंटर कौन सा है, इनपुट पॉइंटर या गेट पॉइंटर, वो कहां पे होगा, वो कौन से पॉइंट पे होगा, वो हमेशा होगा स्टार्ट ऑफ द फाइल में, बिगिनिंग ऑफ द फाइल में। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप जब रीडिंग के लिए फाइल खोलोगे तो फाइल की जो रीडिंग है आप हमेशा बिगिनिंग से ही आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप फाइल को मिडल से रीड करना स्टार्ट कर दो या एंड से रीड करना स्टार्ट कर दो। जब भी आप फाइल खोलोगे रीड मोड में तो फाइल की जो रीडिंग है ऑलवेज इट विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। इट मींस कि जो इनपुट पॉइंटर है फाइल का, या उसको गेट पॉइंटर बोलते हैं, वो हमेशा वो कहाँ पे होगा, जब आप रीडिंग रीड मोड में फाइल खोलोगे, इट विल बी एट द बिगिनिंग। व्हेनेवर वी ओपन अ फाइल इन द रीड ओनली मोड, द इनपुट पॉइंटर इज ऑटोमेटिकली सेट एट द बिगिनिंग सो दैट वी कैन रीड द फाइल फ्रॉम स्टार्ट। जब भी फाइल रीड मोड में खोलोगे तो इनपुट पॉइंटर हमेशा कहां पे होगा, बिगिनिंग में। सपोज आपने फाइल खोल ली राइट मोड में, राइट मोड में फाइल खोलने का मतलब आप ऑफ स्ट्रीम्स के ऑब्जेक्ट से फाइल खोल रहे हो, राइट मोड का मतलब आपको प्रोग्राम से फाइल में राइट भेजना है। जब आप राइट मोड में फाइल खोलते हो तो क्या होता है, आप कोई फाइल का नाम देते हो, है ना। अगर उस नाम की फाइल आपके सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती तो आपके पास ब्लैंक फाइल खुल जाती है। तो आप क्या करते हो, ब्लैंक फाइल में हमेशा राइटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, फ्रॉम बिगिनिंग। जब भी आप राइट मोड में फाइल खोलोगे तो आपका जो राइट वाला पॉइंटर है उसको बोलते हैं आउटपुट पॉइंटर या पुट पॉइंटर, वो कहां पे होगा, बिगिनिंग में, ठीक है। बट अगर आपने जो नेम दिया है फाइल ओपन करते समय, वो फाइल एग्जिस्ट करती हुई आपके सिस्टम में, तब क्या होता होता है, अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती होती है सिस्टम में तो क्या होता है, उसका कंटेंट डिलीट होके आपके पास ब्लैंक फाइल खुल जाती है, तब भी आपका आउटपुट पॉइंटर या पुट पॉइंटर कहां पे होगा, बिगिनिंग में। तो आप राइटिंग हमेशा कहां से स्टार्ट करोगे, बिगिनिंग में। सपोज आपने फाइल खोली अपेंड मोड में, तो अपेंड मोड करवाया था मैंने iOS app, वो मोड क्या होता है, अपेंड मोड होता है अगर आपकी फाइल जो आपने नेम दिया एग्जिस्ट नहीं करती सिस्टम में, फिर तो नहीं बन जाएगी। आपने सपोज बोला कि abc.txt, फिर तो वो फाइल नहीं बन जाएगी abc.txt अगर आपके सिस्टम में नहीं है। तो आपका पॉइंटर कहाँ पे होगा, कौन सा पॉइंटर होगा अपेंड मोड में, राइटिंग वाला आउटपुट पॉइंटर या पुट पॉइंटर, वो कहाँ पे होगा, बिगिनिंग में, क्योंकि ब्लैंक फाइल है, नई फाइल है, तो आप बिगिनिंग से राइटिंग करोगे। बट अगर उसमें कुछ कंटेंट है एग्जिस्टिंग, वो फाइल जो आपने नेम दिया है वो एग्जिस्ट कर रही है आपके सिस्टम में, तो उसके कुछ में कुछ कंटेंट है, तो अगर आप सिंपल आउट मोड में खोलोगे तो उसका कंटेंट डिलीट होके ब्लैंक फाइल आ जाएगी। बट अगर आप एबीपी मोड अपेंड मोड में खोलोगे तो उसका कंटेंट डिलीट नहीं होगा, वो प्रिजर्व रहेगा, और जो नई राइटिंग है हम उस कंटेंट के पीछे करेंगे। तो आपका आउटपुट पॉइंटर कब होगा, कहाँ पे होगा, जब आप फाइल अपेंड मोड में खोलोगे, it will be at the end of existing contents।
क्योंकि आपकी राइटिंग कहाँ होगी, अब आउटपुट पॉइंटर ये बताता, पॉइंटर्स ये बताते हैं कि अब आप कहाँ राइट करोगे, अब आप कहाँ से रीड करोगे। अगर आप रीड मोड में खोलोगे फाइल तो आपका इनपुट पॉइंटर या गेट पॉइंटर हमेशा बिगनिंग में होगा, मीनिंग आपकी रीडिंग बिगनिंग से करोगे। अगर आप राइट मोड में खोलोगे तब आपका आउटपुट पॉइंटर या पुट पॉइंटर भी बिगनिंग में होगा, मीन्स आप राइटिंग बिगनिंग से करोगे फाइल में। जब आप फाइल अपेंड मोड में खोलोगे तो आपका राइटिंग वाला पॉइंटर आउटपुट या पुट पॉइंटर एट द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग कंटेंट्स, जितने भी कंटेंट्स हैं उसके बाद होगा, क्योंकि आपको उसके बाद अपेंड करना है। तो ये तो होते हैं डिफॉल्ट एक्शंस जो अपने आप होते हैं। कभी आपने पॉइंटर अभी तक, हमने टू क्लासेस अटेंड कर ली फाइल हैंडलिंग की, क्या अभी आपने कोई पॉइंटर्स पे काम किया? आप सिंपली फाइल खोलते हो स्ट्रीम से, आप कंटेंट रीड करते हो फ्रॉम स्टार्टिंग वन बाय वन, वेदर आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करो या गेट लाइन से रीड करो। जब आप राइटिंग के लिए फाइल खोलते हो आप कंटेंट राइट करते हो, चाहे पुट से करो या ऑब्जेक्ट से करो, आप राइट करते हो बिगनिंग से। बट अगर आप अपेंड मोड में खोलते हो तो जो कंटेंट होता था वो प्रिजर्व रह जाता था और आप एंड पे राइटिंग करते थे। ये डिफॉल्ट एक्शंस होते हैं, आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये बाय डिफॉल्ट है। ऑल द एक्शंस ऑन द फाइल पॉइंटर्स, चाहे इनपुट पॉइंटर चले रीडिंग के टाइम, चाहे आउटपुट पॉइंटर चाहे राइटिंग टाइम, दिस टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली ही ऑपरेशंस होते हैं, आप इसमें कुछ नहीं करते, ये ऑटोमेटिक ही अपने आप। जब रीडिंग के लिए फाइल खुलती है तो रीडिंग वाला पॉइंटर फर्स्ट बिगनिंग में होता है, राइटिंग के लिए खुलती है तो राइटिंग वाला पॉइंटर बिगनिंग में होता है, अपेंड के लिए खुलती है तो राइटिंग वाला पॉइंटर एट द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग कंटेंट्स होता है। ये ऑटोमेटिक होता है, अपने आप पॉइंटर्स मूव करते हैं। बट अगर आपको अपनी मर्जी से, आपको रीडिंग बिगनिंग से नहीं करनी है, यू वॉन्ट मैं रीड करूं मिडल से या एंड से या लास्ट सेकेंड लाइन से, सपोज आप चाहते हो मैं राइटिंग भी एंड पे नहीं करनी, मैं मिडल में करूं, बिगनिंग में करूं, एंड में करूं, तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको जो ये फाइल के पॉइंटर्स हैं, इनपुट या आउटपुट पॉइंटर, इसका कंट्रोल अपने हैंड में लेना पड़ेगा। अभी तक जो आप जो पढ़ रहे थे दैट इज कॉल्ड सिक्वेंशियल असेस, कंट्रोल कंपाइलर के हाथ में था, हमेशा रीडिंग बिगनिंग से होती थी, फर्स्ट वर्ड रीड किया, सेकंड करेक्टर रीड किया, थर्ड किया, फर्स्ट करेक्टर राइट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, ये ऑटोमेटिक था, आपके हैंड में कंट्रोल नहीं था। बट इफ यू वॉन्ट टू असेस लाइक दिस, मुझे रीडिंग फर्स्ट बिगनिंग से नहीं, सीधा एंड से स्टार्ट करनी है, मिडल से स्टार्ट करनी है, सेकंड लास्ट लाइन से स्टार्ट करनी है, तो आपको इनपुट पॉइंटर का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको राइटिंग भी एंड पे बिगनिंग से नहीं करनी, एंड से करनी है, मिडल से करनी है, कहीं और लोकेशन से करनी है, तो यू नीड टू हैव कंट्रोल ऑफ आउटपुट पॉइंटर इन योर हैंड्स। तो या इसको हम बोल सकते हैं रैंडम असेस, हम बीच बीच में से फाइल को असेस करना चाहते हैं, नॉट सिक्वेंशियली, नॉट ऑलवेज फ्रॉम द बिगनिंग, वी वॉन्ट टू असेस द फाइल रैंडमली, इसको बोलते हैं रैंडम असेस। तो आप इसका कंट्रोल, इस पॉइंटर्स का, इनपुट और आउटपुट पॉइंटर्स का कंट्रोल अपने हैंड में लेके आ सकते हो। कैसे लेके आ सकते हो? इसका पॉइंट, दिस इज पॉसिबल इफ यू टेक कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट ऑफ फाइल पॉइंटर असेस। फाइल पॉइंटर्स कौन से होते हैं? गेट एंड पुट, या बोल सकते हो इनपुट पॉइंटर, आउटपुट पॉइंटर। इसका कंट्रोल आपके हाथ में कैसे आएगा? इसका कंट्रोल आपके हाथ में आने के लिए आपके पास ये फोर फंक्शंस अवेलेबल हैं। ये फोर फंक्शंस एफ स्ट्रीम क्लास में है, एफ स्ट्रीम क्लास इंक्लूड करते हो ना सबसे ऊपर हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम हेडर फाइल, उसके अंदर एफ स्ट्रीम क्लास है, तो उसके उसमें ये फोर फंक्शंस हैं, सीक जी, सीक पी, टेल जी, टेल पी। ये फोर फंक्शंस आपको आने चाहिए तो आप फाइल की रैंडम असेस कर सकते हो, मींस फाइल को रीड और राइट अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, नॉट ऑलवेज फ्रॉम बिगनिंग। यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ हाउ यू वांट टू कंट्रोल योर फाइल। तो ये फोर फंक्शंस की हेल्प से आप फाइल में रैंडम असेस कर सकते हो। जी फॉर गेट मींस इनपुट, पी फॉर पुट, पुट मींस आउटपुट। ये याद रखना, जी इनपुट के लिए गेट पॉइंटर, पी पुट पॉइंटर, गेट मींस इनपुट पॉइंटर, get means input pointer, output means output pointer. So seek G, seek P, tell G, tell P. G for get input, P for put. Seek G and tell G are for reading input के लिए है, seek P and tell P are for writing, put pointers हैं, ये writing के लिए है। अब tell G और tell P क्या? tell means बताता है, tell G बताता है आपके file में गेट पॉइंटर करंटली कहां पे पॉइंट कर रहा है। टेल जी गिव्स द करंट पोजीशन ऑफ द गेट पॉइंटर। जब आप फाइल रीड कर रहे होते हो
तो उस टाइम गेट पॉइंटर की करंट पोजीशन क्या है, उस टाइम गेट पॉइंटर कहाँ पे है, ये आपको टेलजी वाला फंक्शन बताएगा। टेलजी फंक्शन आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा विच विल टेल यू द लोकेशन ऑफ द गेट पॉइंटर एट द करंट टाइम, एट द प्रेजेंट टाइम आपका रीडिंग वाला पॉइंटर कहाँ पे है। सिमिलरली टेल पी, जब आप फाइल राइट कर रहे होगे तो टेल पी फंक्शन भी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ये फंक्शन आपको बताएगा कि आपका राइटिंग वाला पॉइंटर या पुट पॉइंटर एट करंट टाइम इस टाइम कौन सी लोकेशन पे है। तो टेलजी वो आपको टेलजी जो फंक्शन है ये बताता है कि इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे आपका रीडिंग वाला पॉइंटर मतलब बोलो गेट या इनपुट पॉइंटर कहाँ पे है, और टेल भी बताता है कि आपका इस टाइम पे पुट पॉइंटर या राइटिंग वाला पॉइंटर कहाँ पे है, ये टेल भी बताता है। क्लियर। अब ये यहां से पता तो चल जाएगा कि रीडिंग वाला पॉइंटर कहाँ पे है, राइटिंग के टाइम पे टेल भी बता देगा कि राइटिंग वाला पॉइंटर कहाँ पे है। अब आपको कंट्रोल कैसे करनी है फाइल, फाइल के एक लोकेशन से दूसरी पे कैसे जाना है, बिगनिंग से नहीं मुझे रीड करनी, मुझे एंड से करनी है, मिडल से करनी है, वो कंट्रोल कैसे आता है, सीक से। म्यूजिक प्लेयर्स में पता है ना, सीक यू गो टू सीक मीन आप फाइंड करते हो पोजिशन, ये सॉन्ग चलाना है, ये चलाना है। जब आपको रीडिंग वाले पॉइंटर को कंट्रोल अपने हाथ में करना है तो अपनी पसंद की लोकेशन पे लेके जाना है तो यू सीक जी, इट मूव्स गेट पॉइंटर या इनपुट पॉइंटर टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन। सीक पी, ये आपका जब आपको राइटिंग वाला पॉइंटर अपने कंट्रोल में करना है, अपनी पसंद की लोकेशन पे लेके जाना है, देन यू मूव्स पुट पॉइंटर टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन। सीक जी आपका गेट पॉइंटर अपनी लोकेशन पे अपने अकॉर्डिंग लेके जाने के लिए सीक जी, और आपका राइटिंग वाला अपने लोकेशन पे लेके जाने के लिए सीक पी। तो अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं वन बाय वन फॉर ऑल। जब भी फाइल हैंडलिंग करनी तो हैश इंक्लूड, सबसे पहले एस्ट्री हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंट मेन। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ हम प्रोग्राम कर रहे हैं एलपी। LP क्या बताता है, P for put, it gives the current position of put pointer. Put pointer कौन सा होता है, राइटिंग वाला आउटपुट पॉइंटर। चलो आपको राइटिंग वाला पॉइंटर देखना है तो ऑब्वियसली फाइल फिर कौन से मोड में खोलनी पड़ेगी, राइटिंग मोड में। राइटिंग के लिए किसका ऑब्जेक्ट बनता होता है, ऑफ स्ट्रीम का। सपोज मैंने ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया OBJ, उसके बाद में फाइल, हमेशा फाइल हैंडलिंग के लिए 3 स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले फाइल को ओपन करो, फिर फाइल में ऑपरेशन परफॉर्म करो, थर्ड फाइल को क्लोज करो। तो सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं, तो ओपन के लिए आपको पता है ओपन फंक्शन होता है, तो उसमें फाइल का नेम देना होता है। सपोज मैं दे रही हूं, क्या नाम दे फाइल का, जे एंड सी क्लास डॉट टीएक्सटी, जे एंड सी क्लास डॉट टीएक्सटी। मोड में देना चाहूं तो मैं आईओएस आउट दे सकती हूँ, बाय डिफॉल्ट भी ये कौन से मोड में, जब आप ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट भी ये फाइल आईओएस आउट मोड में ही खुलती है। तो आईओएस आउट मोड क्या होता है, फाइल इज ओपन फॉर राइटिंग। अगर ये फाइल आपके सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती इस नाम की, ये फाइल नहीं क्रिएट हो जाएगी। अगर एग्जिस्ट करती है तो आउट मोड क्या करता है, उसका कंटेंट डिलीट करके आपको ब्लैंक फाइल खोल देता है। अब चाहे एग्जिस्ट करती हो चाहे नहीं एग्जिस्ट करती हो, खुलेगी कौन सी, आपकी ब्लैंक फाइल। तो ब्लैंक फाइल में पॉइंटर कहाँ पे होगा राइटिंग के लिए, हमेशा राइटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, बिगनिंग से। तो हम देख लेते हैं कि एलपी से क्या ये पोजीशन बताता है कि राइटिंग वाला पॉइंटर है कहाँ पे। मैंने एक वेरिएबल ले लिया सपोज इन पोजिशन, इंटीजर वेरिएबल इसलिए लिया क्योंकि ये जो फंक्शन है ये चल के आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया पोजिशन, तो मैं पोजीशन में स्टोर करूंगी, मैं इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ टेलपी को। फंक्शन कैसे कॉल होता है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, ऑब्जेक्ट नेम क्या है ओबीजी डॉट टेलपी। जब ओबीजी ने टेलपी फंक्शन को कॉल किया तो टेलपी फंक्शन ये बताएगा कि इस टाइम पे आपका राइटिंग वाला पॉइंटर कहाँ पे है। अब राइटिंग के लिए फाइल खोली है,
फाइल में मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट ब्लैंक फाइल है, तो राइटिंग वाला पॉइंटर कौन सी लोकेशन पे होगा? फाइल में हमेशा लोकेशन जीरो से स्टार्ट होती है, तो ये आपको टेलपी फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा? जीरो, कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे हैं, अभी तक आपने फाइल सिर्फ खोली है, ओपन की है, उसमें आपने कोई राइटिंग नहीं की, तो आप करंटली यू आर एट द जीरोथ पोजीशन ऑफ द फाइल एंड नाउ यू कैन राइट. क्लियर? तो मैंने टेलपी फंक्शन कॉल किया, ये इंटीजर रिटर्न करेगा, ये कौन सी लोकेशन रिटर्न करेगा? अभी तो फाइल ओपन हुई है, बिगिनिंग वाली, दैट इज जीरो. जीरो विल गो टू पोजीशन. अब मैं डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं कि कौन सी पोजीशन रिटर्न करता है. एंटर. Yes, it gives you the zeroth position क्योंकि फाइल अभी ब्लैंक है, तो आप जीरोथ पोजिशन पे हो. क्लियर? फाइल ऐसे भी ओपन से भी खुल जाती है, चाहे आप फाइल डिक्लेरेशन के साम यहीं पे लिख दीजिए. ओपन से नहीं खोलनी तो आप यहीं पे भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग. सपोज अब मैं कुछ लिख देती हूँ फाइल में, लिखते कैसे हैं? स्क्रीन पे कैसे लिखते हैं? सी आउट हेलो, ऐसे लिखते हो? हेलो हाउ आर यू, स्क्रीन पे ऐसे लिखते हो? अब मुझे स्क्रीन पे नहीं लिखना, मुझे कहां पे लिखना है? फाइल में. तो फाइल का ऑब्जेक्ट कौन सा है? ओबीजे. ऐसे लिखने से क्या हो जाएगा? आपकी फाइल में राइटिंग हो जाएगी. कौन सी फाइल में? जे एंड सी क्लास डॉट टीएक्सटी में क्या राइट हो जाएगा? हेलो हाउ आर यू. अब मैंने कितने डिजिट्स, कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं? जीरो, फर्स्ट, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 लिखे. और अब आपका, अब आप अगर मैं कुछ इसके बाद लिखूंगी तो कौन सी पोजीशन पे लिखूंगी? 17th पे. तो आपका राइटिंग वाला पॉइंट कौन सी पोजीशन पे होगा? 17th पे. अब दोबारा इसको चला के देखते हैं, एलपी को अगेन कॉल करते हैं. जब मैंने फाइल में ये लिख दिया, हेलो हाउ आर यू, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइल बनी कि नहीं बनी. पहले हम देखते हैं ओबीजे डॉट क्लोज. तो जीरो था रहा है आपकी पोजीशन का. अभी हम देखते हैं फाइल सिस्टम में बनी कि नहीं बनी. सिस्टम फाइल का नाम है जे एंड सी क्लास डॉट टीएक्सटी. ये फाइल कहाँ पे बनती है? जिस फोल्डर में आपका प्रोग्राम होता है. तो मेरा प्रोग्राम यहीं पे था, तो ये बन गई मेरी जे एंड सी क्लास. यस, मेरी फाइल एग्जिस्ट कर रही है और जिसमें आ रहा है हेलो हाउ आर यू. क्लियर? अब मैं अगर कॉल करूं अगेन, मैं कॉल करती हूँ पोजीशन चेक करने के लिए. अब मैंने कितने 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 कैरेक्टर्स लिख दिया, और अब मैं कौन सी, अब मैं अगर कुछ लिखूंगी तो मैं कौन सी बाइट से स्टार्ट करूंगी फाइल में, वो चेक करते हैं. मींस मेरा राइटिंग वाला पॉइंटर करंटली कहाँ पे है? अगर मेरी फाइल में ये कंटेंट है हेलो आर यू, तो करंटली मेरा टेलपी क्या वो बताएगा? यस, यू आर एट द 17th पोजीशन. आपका राइटिंग वाला पॉइंटर अब जीरो पे नहीं है, 17th बाइट पे है. क्यों? क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है, तो यू आर एट द 16th पे. यू आया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. अब अगर आप राइटिंग करोगे देन यू विल बी एट 17th पोजीशन. अब आपका राइटिंग वाला पॉइंटर कहाँ पे है? 17th पोजीशन पे. क्लियर टेलपी? अब हम करते हैं टेलजी. टेलजी का प्रोग्राम करते हैं. टेलजी, इट विल गिव्स यू, इट गिव्स द करंट पोजीशन ऑफ गेट पॉइंटर. मींस रीडिंग के टाइम पे आपका रीडिंग वाला पॉइंटर कहाँ पे है ये वो बताता है. तो पहले मैं ये यहाँ से कॉपी कर लूँ, टाइम थोड़ा सेव हो जाए. हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम आईओ स्ट्रीम. अब मुझे रीडिंग के वाला पॉइंटर देखना है, तो ऑब्वियसली मेरा ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का होगा? स्ट्रीम का. सबसे पहला काम फाइल हैंडलिंग में फाइल ओपन करो. रीडिंग के टाइम फाइल एग्जिस्ट होनी जरूरी है, बिकॉज़ यहाँ पे तो नई फाइल बन जाती है. राइटिंग के रीडिंग के लिए फाइल जरूरी है एग्जिस्ट होनी, नहीं तो ओपन फंक्शन फेल हो जाता है. तो ये कौन, अभी अभी हमने फाइल बनाई जे एंड सी क्लास डॉट टी एक्स टी, उसी को ही रीड के लिए, ये हमें पता है एग्जिस्ट करती है, ये फेल नहीं होगा, तो मैंने इसी को ही फाइल पे में पैरामीटर डाल लिया.
अगर आपको मोड स्पेसिफाई करना है तो आप इन कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट अगर इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है तो मोड स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, वो iOS इन ही होता है. अगर आप एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाओगे देन यू नीड टू स्पेसिफाई मोड बिकॉज एफ स्ट्रीम इज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट. अगर इफ स्ट्रीम का बनाओगे तो लिखो इसको इन मोड मीन्स फाइल इज ओपन फॉर रीडिंग एंड फाइल एग्जिस्ट होनी जरूरी है, नहीं तो दिस फंक्शन विल बी फेल. अब फाइल आपने कौन सी दे दी, जे एंड सी क्लास हो गया .txt. अभी फाइल में कंटेंट है, क्लियर. हमेशा जब आप रीडिंग के लिए फाइल खोलोगे तो रीडिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, बिगनिंग से. अब हम देख लेते हैं कि आपका रीडिंग वाला पॉइंटर कहां पे है, रीडिंग कहां से स्टार्ट करेगा. तो सिमिलरली मैंने जैसे लास्ट प्रोग्राम में किया था, यहाँ भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया पोजिशन, और पोजिशन में मैंने जो फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कैसे कॉल होता है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम. अब मैं टेल जी फंक्शन कॉल कर रही हूँ, तो ये टेल जी फंक्शन मुझे डल के रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू, वो इंटीजर वैल्यू क्या होगी, लोकेशन, गेट पॉइंटर आपका कहाँ पे है, इनपुट पॉइंटर कहाँ पे है. तो मैं सी आउट करके पोजिशन डिस्प्ले करवा लू कहाँ पे है इनपुट पॉइंटर. तो अभी तो आपने सिर्फ फाइल ओपन की है, यू हैव नॉट रेड एनीथिंग, जस्ट यू हैव ओपन द फाइल. सिर्फ फाइल ओपन हुई है रीडिंग मोड के लिए, आपने एक भी कैरेक्टर रीड नहीं किया, तो आपका रीडिंग वाला पॉइंटर की पोजीशन क्या होगी, फाइल हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से. रीडिंग वाला पॉइंटर हमेशा कहाँ पे होगा, अभी बिगिनिंग में. तो आपकी पोजीशन क्या, ये टेल जी आपको क्या रिटर्न करेगा, जीरो, कि आप बिगिनिंग में हो, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ फाइल ओपन की थी, कोई कैरेक्टर रीड नहीं किया. तो गेट पॉइंटर आपकी पोजीशन क्या होगी, जीरो. तो हम पोजीशन डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं. Yes, you are at the position zero. अब reading beginning से start होगी. अब suppose मैंने एक character read कर लिया. Suppose मैं character ले गया C H. Character read कैसे करते हैं? Keyboard से character program में कैसे आता है? C in से. But मुझे file से character read करना है, तो file का object क्या है? INS. अब एक character आपका read हो गया. Clear? अब एक character आपने read कर लिया. आप डिस्प्ले भी करवा सकते हो, अब कौन सा करेक्टर आपने रीड किया, कौन सा करेक्टर फर्स्ट, क्या लिखा था हमने फाइल में, इस फाइल में क्या था, हेलो हाउ आर यू, फर्स्ट करेक्टर है अपना एच. तो आपने एक करेक्टर अभी रीड कर लिया है, तो अब इसको चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को. फर्स्ट ये जब चलेगा तो आपको बताएगा कि आप जीरो पोजिशन पे हो, फिर आपने वन करेक्टर रीड किया और करेक्टर को डिस्प्ले करवाया है, तो करेक्टर कौन सा आएगा जब आपने रीड किया, एच जीरो. आप पहले जीरो पोजीशन पे थे जो टेल जी ने बताया, फिर आपने फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा रीड किया, एच. तो पहले मैं यहाँ पे एंटर डाल देता हूँ ताकि आउटपुट क्लियरली दिख जाए. सबसे पहले यहाँ पे हमने पोजीशन डिस्प्ले करवाई अभी फाइल ओपन करके, दैट विल बी एट जीरो पोजीशन. फिर हमने फर्स्ट कैरेक्टर रीड किया और वो डिस्प्ले करवाया, फर्स्ट कैरेक्टर इज एच. अब अगेन देखते हैं कि आपका टेल जी, अगेन टेल जी फंक्शन को हम कॉल करते हैं और पोजीशन डिस्प्ले करवाते हैं. अब टेल जी फंक्शन पोजीशन कौन सी बताएगा, अब गेट पॉइंटर कहाँ पे होगा, फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि आप वन करेक्टर फाइल से रीड कर चुके हो एंड यू आर एट द सेकंड करेक्टर. सेकंड करेक्टर मीन्स फर्स्ट बाइट, क्योंकि फाइल हमेशा स्टार्ट इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से. अगर आपने फर्स्ट करेक्टर रीड कर लिया है, यू आर बी एट द सेकंड पोजीशन. सेकंड पोजीशन मीन्स वन, बिकॉज फाइल इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो. अब टेल जी पोजीशन क्या अगेन आपको देगा, डिस्प्ले करवा के देखते हैं इस प्रोग्राम को. यस, यू आर एट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द फाइल, क्लियर. तो टेल जी गिव्स यू द करंट पोजीशन ऑफ द गेट पॉइंटर एंड टेल पी गिव्स यू द करंट पोजीशन ऑफ द पुट पॉइंटर. नेक्स्ट हम प्रोग्राम करते हैं. ये तो अभी पोजीशन पता चली है कि अभी तो असेस तो सीक्वेंस वाइज ही हो रहा है, जस्ट पोजीशन पता चलिए कि पॉइंटर, रीडिंग वाला पॉइंटर कहाँ पे है, राइटिंग वाला कहाँ पे है. अब हम करते हैं सीक जी फंक्शन. सीक जी फंक्शन क्या करता है, मूव्स योर जी फॉर गेट, गेट पॉइंटर टू ए डिजायर्ड लोकेशन, जहां जिस लोकेशन पे आप चाहते हो उस लोकेशन पे जाएगा, उस लोकेशन से आप रीडिंग करोगे. आप बिगिनिंग से रीडिंग नहीं करोगे, जैसे आप हमेशा यहाँ पे अभी रीडिंग कर रहे थे, फर्स्ट करेक्टर एच रीड किया. योर विश, आपने बिगिनिंग से रीडिंग करनी है, कहाँ से करनी है, एंड से करनी है, कौन सी पोजीशन से करनी है,
तो सीजी विल हेल्प यू टू मूव योर गेट पॉइंटर, मूव योर रीडिंग पॉइंटर टू एनी लोकेशन वेयर एवर यू वांट. तो सबसे पहले हम इसी फाइल पे ही काम करते हैं. तो यही यहीं से कॉपी कर रही हूँ. हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम आईओ स्ट्रीम, ये तो हमेशा ही यूजिंग नेम स्पेस. मैंने रीडिंग के लिए है तो सीक जी का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो गेट पॉइंटर है तो हम रीडिंग के लिए फाइल खोलनी पड़ेगी. तो मैंने रीडिंग वाला ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल ओपन की, वही जे एंड सी क्लास जो अभी 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 जिस पे काम कर रहे थे, जो अभी आपने बनाई, उसमें कंटेंट क्या है, हेलो हाउ आर यू, क्लियर. और इनपुट मोड स्पेसिफाई करो, चाहे नाउ बाय डिफॉल्ट भी ले लेगा बिकॉज एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है. अगर एफ स्ट्रीम का होगा then you have to specify. तो currently मैंने LG से अभी फाइल जस्ट ओपन हुई है. अगर मैं पोजीशन देखूं LG से, LG फंक्शन कॉल करूं तो क्या पोजीशन आएगी? अभी अभी हमने किया था, अभी जस्ट फाइल ओपन हुई है, we have read no character. तो फाइल की जो पोजीशन होगी LG क्या बताएगा? LG फंक्शन गेट पोजीशन, और सॉरी मैं ब्रैकेट डालना भूल गई इस प्रोग्राम में. अभी जस्ट फाइल ओपन हुई है तो जब मैं टेल जी को कॉल करूंगी तो रीडिंग हमेशा बिगिनिंग से स्टार्ट होती है, तो इसकी पोजीशन क्या आएगी? अब हम देखते हैं सीक फंक्शन कैसे चलता है. अभी हम जीरो पोजीशन पे हैं. नाउ व्हाट इज सीक जी? सीक जी का कुछ सिंटैक्स है. सीक जी और सीक पी दोनों का सिंटैक्स एक ही है. सीक जी और सीक पी और ऑपरेटर, चाहे सीक जी हो चाहे सीक पी हो, ये फंक्शन है. तो कॉल कैसे होगा? ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, ऑब्जेक्ट नेम जो भी आपने बनाया होगा, डॉट सीक जी या डॉट पी जी. ये दो पैरामीटर्स, टू पैरामीटर्स लेता है. फर्स्ट वन इज ऑफसेट, सेकंड वन इज रेफरेंस. ऑफसेट मतलब समझ लो कुछ इंटीजर वैल्यू. रेफरेंस आईओएस क्लास की थ्री वेरिएबल्स है. तो ये टू पैरामीटर्स लेता है. फर्स्ट वन इज ऑफसेट, सेकंड वन इज रेफरेंस. द पैरामीटर ऑफसेट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बाइट्स द फाइल पॉइंटर इज टू बी मूव्ड. एक ये इंटीजर वैल्यू आपको देनी पड़ती है कि आपकी फाइल कितने लोकेशंस मूव करेगी. दिस इज द इंटीजर वैल्यू. आप बताओगे टू थ्री, आपको फाइल को कितने पॉइंटर्स आगे लेके जाना है, पीछे लेके जाना है, कहाँ जाना है. दिस इज द रेफरेंस. फ्रॉम द रेफरेंस, रेफरेंस थ्री तरह के होते हैं. आईओएस स्कोप रेजोल्यूशन बिग, आईओएस स्कोप रेजोल्यूशन सी यू आर करंट, ये स्कोप रेजोल्यूशन है. आईओएस स्कोप रेजोल्यूशन एंड, इसका मीनिंग क्या है? रेफरेंस पोजिशन होती है. आईओएस क्लास में थ्री रेफरेंस पोजिशन है, फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट पोजिशन, फ्रॉम एंड. ये थ्री पोजिशन है आपकी आईओएस क्लास में डिफाइंड. आईओएस कौन सी होती है? सबसे हायरार्की में पेरेंट क्लास, उसके अंदर ये थ्री पोजिशन है कि आपको फाइल की पॉइंटर की मूवमेंट बिगनिंग से करनी है, या करंट पोजिशन से करनी है, या एंड से करनी है. तो ये थ्री रेफरेंस पॉइंट होते हैं. तो आपको टू पैरामीटर्स पास करने हैं कि आपको कितने पॉइंट मूव करना है फ्रॉम योर रेफरेंस. आपको बिगिनिंग से कितने पॉइंट मूव करना है. अगर आप यहाँ पे कुछ पैरामीटर दोगे, कोई वैल्यू दोगे 10, 20 इंटीजर वैल्यू, कितने पॉइंट्स मूव करना है फ्रॉम बिगिनिंग. अगर आपने लिख दिया आईओएस स्कोप रेजोल्यूशन सी यू आर, आपको रेफरेंस से कितने पॉइंट मूव करना है. अगर आपने लिख दिया आईओएस स्कोप रेजोल्यूशन एंड, मतलब आपको रेफरेंस एंड से कितने पॉइंट मूव करना है. जब भी सीक जी और सीक पी लिखोगे तो आपको टू पैरामीटर्स पास करने हैं, कितने पॉइंट्स मूव करना है, दैट इज इंटीजर वैल्यू फ्रॉम दिस रेफरेंस. बिगनिंग से मूव करना है या करंट से मूव करना है या एंड से मूव करना है, क्लियर. रेफरेंस आप छोड़ भी सकते हो, एक पैरामीटर भी पास कर सकते हो. अगर आपने रेफरेंस वाली वैल्यू नहीं दी, आपने नहीं बताया बिगनिंग से या करंट से या एंड से, तो बाय डिफॉल्ट वो बिगनिंग से मान के आपके ऑफसेट को सेट कर देगा. बाय डिफॉल्ट वो बिगनिंग लेता है, अनलेस एंड अंटिल यू स्पेसिफाई. या आप खुद आप स्पेसिफाई कर दो कि आपको फाइल बिगनिंग से या करंट से या एंड से चलानी है, या बाय डिफॉल्ट वो बिगनिंग से चलाएगा, क्लियर. यस, अब मैं सीक जी फंक्शन को कॉल करूं. फंक्शन कैसे कॉल होता है? हमेशा ऑब्जेक्ट से. ऑब्जेक्ट क्या है? ins, ins डॉट सीक जी, क्लियर. और मैं ऑफसेट दे रही हूँ. ऑफसेट इंटीजर वैल्यू होती है. सपोज नॉट टू, मैं कुछ नहीं लिख रही साथ में, रेफरेंस नहीं लिख रही, मैं सेकंड पैरामीटर नहीं लिख रही, तो बाय डिफॉल्ट वो बिगिनिंग लेता है.
तो मैंने INS ने सीक जी फंक्शन होता है उसको कॉल किया, सीक मीन्स गेट पॉइंटर वाला। तो INS आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ने फंक्शन कॉल किया विद ऑफसेट टू, ठीक है। अब आपका फाइल का पॉइंटर कहाँ पे होगा, अगर मुझे चेक करना हो तो मैं कैसे चेक करूंगी कि मेरा पॉइंटर कौन सी लोकेशन पे होगा। आपने पॉजिटिव नंबर दिया है टू, इसका मतलब आपको बिगिनिंग से 2 पॉइंट्स आगे जाना है, सीक मीन्स 2 पॉइंट्स आगे जाना है। तो अब मैं अगर टेल जी से देखूं तो आपका इनपुट पॉइंटर कौन सी लोकेशन पे होगा, पहले कौन सी पे था जब फाइल ओपन हुई थी, 0 पे। अगर मैं 2 आगे चली जाऊं तो कौन सी लोकेशन पे होगा, सेकंड पोजीशन पे होगा गेट पॉइंटर, क्लियर। अगर आपने फाइल ओपन की तो टेल जी को देखा चला के, तो आप रीडिंग कहां से करोगे अभी स्टार्ट, 0 से। अगर मैंने लिख दिया कि सीक जी की वो 2 पोजीशन आगे चला जाए, अगर फिर आप अगर टेल जी कॉल करोगे, अगर आपने जस्ट फाइल ओपन की थी, टेल जी ने बताया कि आप 0th पोजीशन पे हो, अगर आपने सीक जी लिख दिया 2 मीन्स आप अब टेल जी कहां पे होगा, अब रीडिंग कहां से होगी, रीडिंग वाला पॉइंटर आपका आगे चला गया। और आप अगर आपने पोजीशन डिस्प्ले करवाई, देन नाउ यू आर एट द पोजीशन सेकंड। अगर हम देखें चला के कि सेकंड पोजीशन में कौन सा करेक्टर आपकी फाइल में, सपोज एक करेक्टर रीड करना है, करेक्टर रीड करने के लिए क्या करते हो, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, करेक्टर फाइल से करेक्टर कैसे रीड करते हो, कीबोर्ड से कैसे करते थे ऐसे। अब फाइल से रीड करना है तो INS फाइल का ऑब्जेक्ट, मैं करेक्टर रीड कर रही हूँ और फिर मैं उस करेक्टर को डिस्प्ले करवा रही हूँ। अब करेक्टर कौन सा रीड होगा, फर्स्ट करेक्टर। अगर मैं यहाँ पे आप करेक्टर रीड कर रहे थे, आपने यहाँ पे भी करेक्टर रीड किया था, जब आप यहाँ पे करेक्टर रीड कर रहे थे तो कौन सा करेक्टर रीड हो रहा था फाइल का, एच, क्योंकि आप 0th पोजीशन पे थे। अब आप 0 पे नहीं हो, नाउ यू आर एट दी सेकेंड पोजिशन। अब अगर आप करेक्टर डिस्प्ले करवाओगे तो आपका कौन सा करेक्टर आएगा फाइल का, एल, एल, वन सेकेंड, यू आर एट द पोजीशन, जस्ट वेट, फाइल का कंटेंट है, यस, सेकेंड पोजीशन, 0, 1, 2, आप 2 फॉरवर्ड गए थे ना पोजीशन, आप 0 पे थे, आप 2 फॉरवर्ड जाके यहाँ पे आ गए, तो आपका जो करेक्टर अगर आपने रीड किया इस पॉइंट पे, दैट विल बी एल। अगर आप अभी तक आप जब रीडिंग ऑपरेशन कर रहे थे, जब आपने करेक्टर रीड किया था, हमेशा कौन सा आ रहा था, एच, फर्स्ट वाला, हेलो का फर्स्ट एच आ रहा था, क्योंकि हमेशा रीडिंग बिगिनिंग से होती है। बट अगर आपने सीक जी 2 लिख दिया तो आप 2 पोजीशन आगे चले गए, और अब आपने जब करेक्टर रीड किया तो आपका सेकेंड बाइट वाला करेक्टर कौन सा है, एच ई एल, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। अब आपका करेक्टर कौन सा डिस्प्ले हुआ, एल, क्लियर। अगर मैं लिख दूं सीक जी 4, जब फाइल ओपन हुई थी तब एल जी ने लोकेशन कौन सी बताई थी, 0। अगर आप 4 पोजीशन आगे चले गए बिगिनिंग से तो पोजीशन कौन सी आएगी अब, 4। तब अगर मैं करेक्टर रीड करूं तो कौन सा आएगा 4 वाला, 0, 1, 2, 3, 4, दैट विल बी ओ। लेट्स सी, यस, नाउ यू आर द 4th पोजीशन एंड द करेक्टर इज ओ, क्लियर। नाउ सपोज अगर सॉरी सपोज यहां पे मैं दूसरा पैरामीटर भी दे दूं, IOS BEG, means beginning से मुझे 4 पोजीशन आगे जाना है। इसका मतलब ये है कि इस ऑफसेट को इस रेफरेंस के साथ कंट्रोल करना है, means beginning से 4 पोजीशन आगे जाना। अगर मैं ना भी लिखूं, ये by default beginning से ही जा रहा था, तो भी सेम ही आउटपुट आएगा, यस, यू आर राइट। फर्स्ट फाइल ओपन हुई तो 0th पोजीशन, सीक जी 4 किया फ्रॉम बिगिनिंग, यू आर द 4th पोजीशन एंड द 4th बाइट ऑफ करेक्टर इज ओ इन हेलो, क्लियर। नेक्स्ट सपोज अब हम, मैं ये अभी के लिए इसको कमेंट कर रही हूं, अब हम अगला करेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट सपोज मैं सीक जी कर रही हूं 3 पोजीशन फ्रॉम IOS CUR,
मतलब मुझे थ्री पोजीशन आगे जाना है फ्रॉम करंट पोजीशन, जो भी आपकी करंट पोजीशन है उससे थ्री आगे जाना है। आप करंट किस बाइट पे हो, पहले किस बाइट पे थे जब फाइल ओपन हुई थी, एल जी ने बताया था आपको यू आर एट दी जीरो पोजीशन। आप फोर आगे चले गए फ्रॉम बिगनिंग से, आपको टेल जी ने बताया यू आर एट दी फोर्थ बाइट। क्लियर? अगर मैं अब देखूं, अगर मैं थ्री पोजीशन आगे चले गई फ्रॉम दी करंट पोजीशन, नॉट फ्रॉम दी बिगनिंग, फ्रॉम दी करंट पोजीशन, करंट पोजीशन क्या है, फोर्थ बाइट। अब मैं अगर अपनी पोजीशन देखूं, टेल जी से पूछूं देन वेयर आई एम, मैं किस लोकेशन पे हूं, फोर प्लस थ्री आई एम एट दी सेवंथ पोजीशन, सेवंथ बाइट ऑफ द फाइल। अगर मैं अब करेक्टर फेच करूं कि मैं कौन सा करेक्टर पे हूं, सेवंथ पोजीशन पे कौन सा करेक्टर है आपके फाइल पे, अगेन इज ओ, लेट्स चेक, यस दिस ओ। पहले आप ये ओ रीड कर रहे थे फोर्थ बाइट पे, फिफ्थ इज स्पेस, सिक्स्थ इज एच एंड सेवंथ इज ओ। क्लियर? जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन विल बी ओ। सपोज मैं फोर्थ पोजीशन फ्रॉम करंट, तो पोजीशन कौन सी होगी, पहले भी फोर 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 फ्रॉम बिगनिंग थे, बिगनिंग से फिर फोर करंट से आगे चले गए। पहले सबसे पहले जब फाइल ओपन हुई थी, तो फाइल ओपन हुई थी डेल जी ने बताया था आप जीरो पोजीशन पे हो, अब बिगनिंग से फोर सीख जी कर गए आगे चले गए, पोजीशन आई आपकी फोर, बिगनिंग से फोर जीरो प्लस फोर फोर, फिर आप करंट से फोर आगे चले गए, फिर टेल जी ने आपकी पोजीशन क्या बताई, जैसे मैंने अभी थ्री आगे गई थी करंट से तो सेवन, अब पोजीशन क्या होगी एट। मैं अगर करेक्टर डिस्प्ले करवाऊ एट पे कौन सा है, इट विल बी डब्ल्यू, यस इट विल बी डब्ल्यू। क्लियर? अब मैं डॉट ct माइनस टू फ्रॉम iOS एंड, जब आपको एंड लिखना है तो आप माइनस लिखना है क्योंकि आपको पीछे जाना है, पॉजिटिव नंबर मींस आगे जाना है, जीरो मींस रिमेन एट द सेम पोजीशन, जीरो अगर लिखोगे तो सेम पोजीशन, पॉजिटिव नंबर लिखोगे तो आगे जाना है, वन टू थ्री फोर कितने लोकेशन आगे जाना है। अगर नेगेटिव लिखोगे एंड के साथ हमेशा नेगेटिव नंबर लिखोगे मींस आपको पीछे जाना है, तो एंड से आप अगर मैं माइनस टू लिखूं तो और पोजीशन चेक करूं तो आप कौन सी पोजीशन पे होगे, कितने हैं आपके फाइल्स में, लेट्स चेक। मैंने अभी आपको करवाया था कि आपका राइटिंग वाला पॉइंटर कहां पे है, 17 पोजीशन पे। इफ यू रिमेम्बर टेलपी ने क्या बताया था जब आपने हेलो हाउ आर यू लिखा था इस प्रोग्राम में, टेलपी ने बताया था पोजीशन आप यू के बाद कहां पे हो, 17 पे। अगर मैं माइनस टू कर दू यू विल बी एट 15, याद है ये वाला प्रोग्राम अभी हमने चलाया था, अब 17 पे थे जब आपने हेलो हाउ आर यू लिखा था। अगर मैं माइनस टू कर दू फ्रॉम एंड और आपकी पोजीशन क्या आएगी, will be at 15th position, or 15th pe kaun sa character hai, agar if you have, I want to read, I will read with the object inch yes, the position, the digit is O, let's check, this is O, yes, second last is O, clear? This is for the CG, CG get pointer को अपनी मर्जी से आप कैसे भी रीडिंग कर सकते हो फाइल, जैसे मैंने अभी एंड से रीडिंग किया, मैंने करंट पोजीशन से करेक्टर रीड किया, मैंने बिगनिंग से रीड किया, बिगनिंग से आगे फोर्थ पोजीशन से डायरेक्टली रीड किया, तो आप रैंडम असेस कर सकते हो फाइल। सिमिलरली फॉर सीक पी, जो सीक पी का सेंटेक्स क्या है, राइटिंग टाइम जी की जगह पी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आपको करना है अभी वो है टेक्स्ट फाइल वर्सेस बाइनरी फाइल्स। देखो अभी तक आप जितने भी प्रोग्राम्स बना रहे थे, अभी तक हमने जितनी भी फाइल हैंडलिंग की, उसमें जो फाइल बनती है वो टेक्स्ट फाइल होती है। अब आप फाइल खोल के भी देखते थे, ओपन करके देखते थे, वो आपको समझ आती थी, हमने हेलो हाउ आर यू लिखा, वेलकम सी क्लास, वेलकम जे क्लास लिखा, वो आपको फाइल समझ आती थी क्योंकि उसमें कौन सी फाइल बनती थी, बाय डिफॉल्ट
टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल इज इन ए ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, जो ह्यूमंस को समझ आती है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती थी. आज अभी जो हम कर रहे हैं वो अभी हम जो करेंगे वो हम करेंगे बाइनरी फाइल. बाइनरी फाइल में डेटा जो स्टोर होता है वो मशीन लैंग्वेज में होता है, मीन्स बाइनरी लैंग्वेज में होता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है, आपकी लैंग्वेज में नहीं होता. ह्यूमन, इट इज नॉट इन ए ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, इट इज स्टोर्ड इन द मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? 0101 कुछ और लैंग्वेज, इनकी लैंग्वेज की फॉर्म में होगा. बट अगर आप इस फाइल को खोल के भी देखोगे आपको समझ नहीं आएगा उसमें क्या लिखा हुआ है. तो टेक्स्ट फाइल तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती थी, बट अगर आपको बाइनरी फाइल पे ऑपरेशन करना है तो इट इज नॉट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. उसमें जो डेटा होगा दैट विल बी इन द मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, और इसकी जो प्रोसेसिंग होती है बाइनरी फाइल की दैट विल बी फास्ट. फास्ट क्यों होती है? क्योंकि वो उसमें जो लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होती है, तो आपको उसमें उसको स्टोर करने में, उसको फेच करने में कोई इंटरमीडिएट कोडिंग नहीं करनी पड़ती, डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ आ जाती है. अगर कुछ भी उसमें प्रोसेसिंग करनी है, रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, कंप्यूटर को कोई इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं पड़ती, कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ आ जाएगी क्योंकि उसकी लैंग्वेज में लिखी होती है बाइनरी फाइल. क्लियर? हाँ, टेक्स्ट फाइल में तो आप करेक्टर बाय करेक्टर डेटा राइट करते थे या पूरा स्ट्रिंग राइट करते थे, बट बाइनरी फाइल में जब डेटा राइट होगा या डाटा रीड, डाटा राइट या रीड होगा वो इन दी फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स होगा. जब भी डेटा रीड होगा फाइल में से या डेटा राइट होगा फाइल में, तो डेटा ऑलवेज राइट रिटर्न और रीड फ्रॉम दी फाइल इन दी फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स. पूरा ब्लॉक फाइल के अंदर जाएगा, बाइनरी फाइल के अंदर. अगर रीड भी करेंगे तो भी पूरा ब्लॉक ही रीड होगा. क्लियर? तो बाइनरी फाइल में डेटा ऑलवेज रिटर्न और रीड इन दी फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स. तो बाइनरी फाइल में जब रीडिंग और राइटिंग करनी है तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है रीड एंड राइट, जो हम अभी डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के थ्रू. तो बाइनरी फाइल में रीडिंग एंड राइटिंग कैसे करते हैं? इसमें कैसे करते थे रीडिंग? गेट से, गेट लाइन से, सिंपली सी इन की तरह उसका ऑब्जेक्ट लेके. राइटिंग कैसे करते थे? पुट से, सिंपली सी आउट की तरह उसका ऑब्जेक्ट लेके. बट बाइनरी फाइल में स्पेशल फंक्शंस होते हैं रीड एंड राइट, इसके थ्रू आप राइटिंग करते. और बाइनरी फाइल की हमेशा एक्सटेंशन क्या होती है? .dat. डैट, डॉट टी एक्स टी नहीं होती इसकी, डॉट डैट होती है. जब आपको बाइनरी फाइल बनानी है यूज द एक्सटेंशन .dat. सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, टेक्स्ट फाइल अभी तक जितना किया था वो बाय डिफॉल्ट फाइल हैंडलिंग में जो फाइल बनती है वो टेक्स्ट फाइल होती है, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है. बाइनरी फाइल में जो कंटेंट होता है इट इज नॉट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, इट इज इन द मशीन लैंग्वेज. प्रोसेसिंग फास्ट होती है बाइनरी फाइल की क्योंकि कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज होती है, इजिली समझ आ जाती है. और डेटा हमेशा उसका कंटेंट जब भी हमें फाइल में लिखना है बाइनरी फाइल में वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स लिखा जाएगा, चाहे रीड भी करना है तो भी इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स लिखा जाएगा. कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं बाइनरी फाइल में रीडिंग एंड राइटिंग के लिए, उनका नेम है रीड, राइटिंग के लिए राइट. और बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? हमेशा .dat. अब हम एक प्रोग्राम करते हैं बाइनरी फाइल में लिखने के लिए. तो मैं सबसे पहले ये कॉपी कर रही हूँ, हैश इंक्लूड एचस्ट्रीम आईओस्ट्रीम. अब मुझे फाइल में सबसे पहले राइटिंग करनी है बाइनरी फाइल में, ठीक है? राइटिंग करनी है तो ऑब्जेक्ट किस क्लास का होगा? फॉरस्ट्रिंग का. सपोज मैंने बनाया ओबीजे, तो आपको थ्री काम, मैंने थ्री टास्क बताए थे, थ्री स्टेप्स याद रखने हैं जब आपको फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाना है. सबसे पहले फाइल ओपन, देन यू वॉन्ट टू डू एनी टास्क यू कैन डू दैट, बट फाइल क्लोज. सबसे पहले फाइल ओपन करते हैं, obj.open. फाइल का नाम क्या देंगे यहाँ पे? jc. और मुझे बाइनरी फाइल बनानी है, बाइनरी फाइल पे करना है तो जिसमें .dat. आज जो सॉरी बाइनरी फाइल jc.dat. मोड स्पेसिफाई करना है आईओसी आउट, नहीं भी करोगे तो भी बायोवाइट आउट ही लेगा क्योंकि ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट. अगर स्ट्रीम का हुआ तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. आउट मींस अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो डिलीट होके आपका ब्लैंक खुल जाए, नहीं करती तो नहीं बन के खुल जाए. अब मेरे सिस्टम में बाइनरी फाइल नहीं है जेसी डॉट डेट, ये नहीं बन जाएगी. आप फाइल यहीं पे भी ओपन कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको ओपन फंक्शन से करना है, आप यहीं पे भी साथ में फाइल ओपन कर सकते हो लाइक दिस jc.dat.
क्लियर, तो चाहे ओपन से करो चाहे यहीं पे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी कर सकते हो, दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब मुझे अगर मैं ऐसे फाइल बनाऊंगी तो बाय डिफॉल्ट फाइल जो बनेगी वो टेक्स्ट मोड में बनेगी, बट मुझे फाइल बनानी है बाइनरी में, तो मैंने आपको कल मोड करवाया था, आपको टू मोड्स अगर कंबाइन करने हो तो आप यू यूज दिस और ऑपरेटर। मुझे फाइल बनानी है बाइनरी, तो मैंने फाइल को ओपन किया इन दी बाइनरी मोड। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ मोड नहीं लिखोगे तो टेक्स्ट बनेगी, तो मुझे स्पेसिफाई किया है मैंने जो jc.dat बनानी है वो बाइनरी मोड में बनानी है। तो अब फाइल तो ओपन हो गई, फाइल के अंदर कंटेंट लिखना है। अब बाइनरी फाइल के अंदर ऐसे कंटेंट नहीं लिखा जाता, obj हेलो वर्ल्ड ऐसे नहीं लिखा जाता बाइनरी फाइल के अंदर। बाइनरी फाइल के अंदर कंटेंट लिखने के लिए स्पेशल फंक्शंस हैं, राइट फंक्शन, क्लियर। तो ऐसे कंटेंट नहीं लिखा जाता बाइनरी फाइल में, ना पुट से ना ऐसे, उसके लिए राइट फंक्शन है। अब सबसे पहले मैंने एक चीज बताई थी, जब भी बाइनरी फाइल में राइट करना है तो बाइनरी फाइल में पूरा ब्लॉक राइट होता है। ब्लॉक मतलब चाहे वो क्लास का ऑब्जेक्ट हो पूरा या कुछ ब्लॉक, सपोज एरे है, मैंने एक एरे लिया int 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, मैंने एक ब्लॉक ले लिया इंटीजर एरे का, ये पूरा के पूरा फुल के फुल राइट होगा फाइल के अंदर अगर आपने बाइनरी में फाइल बनाई है। ये नहीं कि 10 पहले राइट होगा, 20 राइट होगा, 30 होगा, ये पूरा ब्लॉक इकट्ठा राइट होगा। अब राइट करते हैं, ठीक है, तो मुझे पूरे इंटीजर एरे को राइट करना है jc.dat। अब राइट करने के लिए क्या सिंटैक्स है, राइट एक फंक्शन है, तो फंक्शन कैसे कॉल होता है, हमेशा obj डॉट राइट, फंक्शन हमेशा डॉट ऑपरेटर से राइट होता है। अब राइट का सिंटैक्स क्या है, अब राइट क्या क्या पैरामीटर लेता है, सबसे पहले उस पे आते हैं, क्लियर। अब राइट का सिंटैक्स क्या है, राइट क्या क्या पैरामीटर लेता है, मैंने ये तो बता दिया, जब फाइल में राइट करना है, बाइनरी फाइल में राइट करना है तो यू यूज राइट फंक्शन, फाइल से रीड करना है तो रीड फंक्शन। राइट के लिए सिंटैक्स क्या है, तो कमिंग टू द सिंटैक्स, ऑब्जेक्ट नेम मेरा अभी क्या था, obj डॉट राइट, जब भी फंक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट से बुलाया जाएगा obj डॉट राइट। तो सबसे पहले ये टाइप का ये याद रखना सिंटैक्स में, कैर स्टार आपको लगाना ही लगाना है, दिस इज द टाइप कास्ट। ये क्यों लगाना है अभी बताती हूँ, जब भी आप राइटिंग के लिए लिखोगे सबसे पहले आपको कैर स्टार तो लिखना ही लिखना है, कैर स्टार, क्लियर। उसके बाद जब भी आप रीडिंग करो चाहे राइटिंग करो सिंटैक्स सेम है, तो आपको कैर स्टार तो लिखना ही लिखना है। अब क्या मीनिंग है इसका वो बताते हूं। उसके बाद एड्रेस ऑफ बफर, किस बफर को किस ब्लॉक को आपको राइट करना है उसका एड्रेस, कॉमा उसका साइज क्या है, ये सिंटैक्स है राइट का भी रीड का भी सेम। सबसे पहले कैर स्टार आएगा ही आएगा, उसके बाद जिस ब्लॉक को आपको राइट करना है उसका एड्रेस कॉमा उसका साइज, क्लियर। तो मुझे किस ब्लॉक को राइट करना है, मुझे इंटीजर एरे को राइट करना है, तो मैं लिखूंगी एड्रेस ऑफ ब्लॉक, मेरा कौन सा ब्लॉक है, मुझे ए को राइट करना है तो मैं लिखूंगी एड्रेस ऑफ ए कॉमा मुझे क्या देना उसका साइज, मुझे साइज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैं साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करूंगी, मुझे साइज ऑफ, क्लियर। तो कैश जब भी राइट का सिंटैक्स आए कैश स्टार तो लिखो ही लिखो, उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर किस ब्लॉक को सेंड करना है फाइल में, मुझे ए ब्लॉक को सेंड करना है, मुझे पूरे इंटीजर एरे को सेंड करना है, तो एड्रेस ऑफ ए कॉमा सिंटैक्स है इसका ये साइज ऑफ दैट ब्लॉक, साइज ऑफ कैलकुलेट कर लेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर से ए का साइज क्या है। अब कैश स्टार क्यों लगाया, कैश स्टार इसलिए लगाया कि जब भी कोई फाइल सेव होती है वो इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर सेव होती है, चाहे आप कोई भी वैल्यू दे उसकी टाइप कास्टिंग हो जाएगी करेक्टर्स में, दैट इज व्हाई हमने कैर स्टार लगाया। तो जब भी आप फाइल में कुछ भी सपोज आप 1+1 भी लिखते हो उसके अंदर 3 करेक्टर स्टोर होते हैं, 1+1, 1, 2 1s and 1+, तो 3 करेक्टर स्टोर होते हैं। तो जब भी कोई फाइल लिखी जाती है तो उसको करेक्टर बाय करेक्टर स्टोर होती है, इसलिए हमेशा टाइप कास्टिंग करनी जरूरी है। तो ये सिंटैक्स है सिर्फ, इतनी लाइन लिखने से आपके फाइल के अंदर पूरा इंटीजर एरे कॉपी हो जाएगा, क्लियर। सिर्फ कैर स्टार ये लिखना है, फिर एड्रेस किस ब्लॉक को सेंड करना है ए को, फिर उसका साइज क्या है, इतनी लाइन लिखने से राइट फंक्शन आपकी जो भी आपका ब्लॉक होगा आपको आपकी jc.dat में राइट कर देगा। थर्ड काम क्या करना होता है, ये राइटिंग तो हो गई क्लोज,
हम फाइल को क्लोज कर देंगे, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। यस, प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड मींस मेरी बाइनरी फाइल बन चुकी है jc.at। कहाँ पे बनी होगी? जहाँ पे आपका सिस्टम, अगर आपको खोल के देखनी है तो देख लो, बट कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, उसके अंदर आपको इंटीजर एरे नहीं दिखेगा क्योंकि वो बाइनरी फॉर्मेट में होगी, इट इज नॉट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। चलिए मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ ये फाइल, आपकी यहाँ पे बनी होगी jc.at। बस ये देखिए, आपको ये समझ भी नहीं आ रहा इसमें इनके अंदर कंटेंट क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट इन ए ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, इट इज इन ए बाइनरी फॉर्मेट। क्लियर? तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या लिखा है ये फाइल में। हाँ, एक तरीका है, अगर आप फाइल को रीड कर लो अपने प्रोग्राम में, रीड तो हम कर सकते हैं फाइल को, अगर हम फाइल को रीड कर ले प्रोग्राम में, देन वी कैन सी कि इस फाइल में क्या कंटेंट है। बाइनरी वाली फाइल वैसे तो रीड, वैसे तो हम अगर सिंपली ओपन करोगे jc.dat तो वो हम रीड नहीं कर सकते, बट अगर हम फाइल हम रीड कर सकते हैं प्रोग्राम में। फाइल रीड कैसे करेंगे? जब भी आपको प्रोग्राम में फाइल रीड करनी होती है तो आप कौन सा ऑब्जेक्ट बनाते हो? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया। जब भी फाइल हैंडलिंग करनी है तो सबसे पहले फाइल ओपन करो, कौन सी फाइल ओपन करते हैं? jc.dat। मुझे कौन से मोड में करनी है? iOS n। मैं ना भी लिखूंगी, इफ स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है ins तो ns, सॉरी बाय डिफॉल्ट मोड n ही होगा, बट मुझे बाइनरी फाइल रीड करनी है तो मुझे मोड साथ में स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ये मुझे बाइनरी फाइल रीड करनी है। क्लियर? फाइल तो ओपन हो गई, अब मुझे फाइल रीड करनी है। जब भी फाइल बाइनरी फाइल पे बात करो तो पूरा ब्लॉक ही राइट होगा और रीड भी पूरा ब्लॉक ही होगा, तो इसका सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, जस्ट राइट की जगह रीड, रेस्ट ऑल इज सेम। रीड इसका मीनिंग क्या है? पहले वो देखेगा कि आपके बफर ए का साइज कितना है, आपके बफर ए का साइज कितना है, उसकी लोकेशन का क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट कौन सा है अभी रीड के लिए, ins, और वो फाइल का कंटेंट रीड करके आपके इस बफर ए में डाल देगा। क्लियर? जब प्रोग्राम से बाइनरी में फाइल राइट करनी है तो ये सिंटैक्स सेम, जब आपको फाइल से प्रोग्राम में कंटेंट लेके आना है तो वो क्या करेगा, आपका साइज कंप्यूट करेगा ब्लॉक का कितना है, और उस एड्रेस पे आपकी फाइल का जो भी कंटेंट है वो आपके ब्लॉक ए में डाल देगा। ठीक है, पहले साइज कंप्यूट कर लेगा और आपकी फाइल का जो भी कंटेंट है वो ब्लॉक प्रोग्राम में आ जाएगा, प्रोग्राम में रीड हो जाएगा, प्रोग्राम में ब्लॉक में हम देख सकते हैं, अब हमारे प्रोग्राम में आ चुका है, अगर आपको डिस्प्ले करवा के देखना है आप देख सकते हो। अब किसमें आया आपका कंटेंट? ए में। ए में ए क्या है आपका? इंटीजर एरे। अगर मुझे डिस्प्ले करवा के देखना है I can do that for int I is equal to 0, I less than 6, I plus plus, cout। A के अंदर आपने फाइल से ये रीड कर लिया कंटेंट, और कंटेंट A में है तो हम डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं। कंटेंट डिस्प्ले करवाते हैं। यस, 10 20 30 40 50 60। क्लियर? तो बाइनरी में जब आपको ऑपरेशन करना है देन यू हैव टू यूज दिस फंक्शन राइट एंड रीड। बाइनरी में पूरा ब्लॉक जाता है, वन बाय वन नहीं जाता। ब्लॉक माने तो चाहे आप क्लास का कोई पूरा ऑब्जेक्ट भेज दो, क्लास का ऑब्जेक्ट भेज के दिखाओ, सपोज मैं क्लास बना रही हूं टेस्ट, इसके अंदर टू वेरिएबल्स हैं int a b, पब्लिक में एक फंक्शन है void get data, get data टू आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, int x int y, a is equal to x, b is equal to y, void display, एक क्लास बनाई है मैंने, इसके अंदर टू वेरिएबल्स है और गेट डेटा फंक्शन इनपुट के लिए है,
डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले के लिए है और क्लास क्लोज। तो एक मैंने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया टी वन, जब टी वन ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको मेमोरी एलोकेट होगी अपने प्राइवेट वेरिएबल्स ए एंड बी के लिए। मैंने टी वन के लिए गेट डेटा कॉल किया विद वैल्यू 10 एंड 20, क्लियर। मैंने 10 और 20 से टी वन के लिए गेट डेटा, टी वन के ए और बी में कितना चला गया 10 एंड 20। अब मुझे पूरे ऑब्जेक्ट को, अब मैं इंटीजर एरे को नहीं राइट कर रही, ठीक है, अब मुझे पूरे ऑब्जेक्ट टी वन को फाइल में स्टोर करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट या ब्लॉक से ही डेटा स्टोर होता है बाइनरी फाइल में, वन बाय वन नहीं होता। मुझे पूरे ऑब्जेक्ट टी वन को फाइल में स्टोर करना है, तो कैसे करोगे? सिंपली फाइल ओपन की, कैर स्टार एड्रेस ऑफ ब्लॉक, एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है टी वन, साइज ऑफ, क्लोज कर दिया। अब आपका पूरा ब्लॉक टी वन आपकी फाइल में राइट हो जाएगा, क्लियर। अब आपको जब रीड भी करना है, किस में चाहिए, ऑब्जेक्ट में वैल्यूज चाहिए, ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी। अब आपको पूरा ब्लॉक पर ब्लॉक राइटिंग होती है, पूरा ऑब्जेक्ट बोलो या ब्लॉक बोलो, फिर आपको एरे नहीं डिस्प्ले करवाना, टी वन में वैल्यूज है, क्या लिखोगे टी वन के लिए, टी वन डॉट डिस्प्ले। अब ये मत समझना कि ये तो सिंपली भी ऑब्जेक्ट से बुला रहे थे t1.data, t1.display, ये क्या किया है, मैंने जस्ट आपको ये बताया कि बाइनरी में राइटिंग कैसे करते हैं, बाइनरी में रीडिंग कैसे करते हैं। हाँ, वो तो चाहिए यहाँ पे बुला लेते t1.display, इसकी जरूरत क्या थी इतना। मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि अगर आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बाइनरी में स्टोर करना है तो वो कैसे करना है, और बाइनरी फाइल से रीड करना है तो वो कैसे करना है, क्लियर। दिस इज अबाउट बाइनरी फाइल।